भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच बैंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेले जा रहे पांचवें T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में टीम इंडिया की बल्लेबाजी में हालत खस्ता नजर आई। भारतीय टीम ने जल्दी अपने 4 विकेट गवाए, जिसमें टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज शुमार रहे। एक बार फिर से भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव का T20 में भी बल्ला खामोश रहा, लेकिन इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी देखने के बाद एक बात साफ नजर आई कि कप्तान ने जो फैसला चुना पहले गेंदबाजी का, वो सही फैसला रहा। इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ की बात कर लेते हैं। इस पूरी सीरीज में तीसरे T20 में उन्होंने शतक लगाया, लेकिन उसके बावजूद इस पूरी श्रृंखला में उनके बल्ले से वो दम देखने को नहीं मिला जो उनसे उम्मीद की जा रही थी। हाँ, तीसरे T20 में 123 रनों की पारी खेलने के बाद उन्होंने इस पूरी श्रृंखला में सबसे ज़्यादा रन बनाने का काम किया। उन्होंने 223 रन बनाए, यानी कि 4 मैचों में उन्होंने 100 रन जड़े और वहीं एक मैच में सारी कसर पूरी कर दी। लेकिन 223 रन बनाने के बाद भी ऋतुराज गायकवाड़ विराट कोहली के एक बड़े रिकॉर्ड को तोड़ने में नाकामयाब रहे। ये रिकॉर्ड है T20 सीरीज में बतौर भारतीय बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड। साल 2020 में विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 श्रृंखला में 231 रन बनाए थे। इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतकीय पारियां भी देखने को मिली थी। फाइनल मुकाबले में विराट कोहली ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए ये कीर्तिमान अपने नाम किया था। ऋतुराज गायकवाड़ को इस मुकाबले में 19 रन बनाने थे। 232 रन बनाने के साथ वो इस श्रृंखला के साथ साथ भारत के लिए T20 क्रिकेट में एक श्रृंखला में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाते। लेकिन ऋतुराज 10 रन बनाकर आउट हो गए और ये कीर्तिमान वो अपने नाम दर्ज करने से चूक गए। भाई, विराट कोहली का रिकॉर्ड है, इतनी आसानी से थोड़ी ना टूटेगा। अगर आपको विराट के रिकॉर्ड को तोड़ना है तो उसके लिए आपको उनके जैसी सोच, उनके जैसी स्ट्रेंथ और उनके जैसे खेल की ज़रूरत है। फिलहाल ऋतुराज गायकवाड़ ने इस सीरीज़ में जो किया उसकी वजह से कहीं ना कहीं अब सिलेक्टर्स की नज़र उन पर बनी रहेगी और लगातार उन्हें मौका दिया जा सकता है। आपका क्या ख्याल है? क्या T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले ऋतुराज गायकवाड़ को भारत की T20 टीम में परमानेंट सलामी बल्लेबाज बनाना सही है? इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया के साथ।